वेल तो गाइज यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम सभी लोग बात करने वाले हैं एक गेम के बारे में जिसका नाम है गाइज वो वाले दिन गए। बेसिकली गाइज यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे डेज गोन के बारे में। अब गाइज यहाँ पर जिन बंदों को नहीं पता कि डेज गोन क्या चीज है, क्या ये फोटोशॉप का फिल्टर है, तो गाइज आज की इस वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे इस गेम के बारे में। एंड गाइज यहाँ पर आज की इस वीडियो में आप सभी लोग को बताऊंगा इस गेम के साइज के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में, रिव्यू दूंगा, सब कुछ बताऊंगा इस गेम के बारे में। तो आप सभी लोग अभी अगर पीसी गेमिंग में इंटरेस्ट है तो गाइज यहाँ पर ये वाली गेम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गाइज जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात कर ले डेज गोन क्या चीज है। अब गाइस देखो डेज गोन गाइस यहाँ पर एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव वाली एडवेंचर शूटर हॉरर गेम है। अब भाई यहाँ पर इसको हॉरर में इतनी नहीं कहूंगा बिकॉज यहाँ पर इतना भी अपोकलिप्स इसमें नहीं हुआ है, थोड़ा इतना सीन हॉरर वाला नहीं है। अब गाइस ऐसा तो है नहीं कि ब्लेयर विच के जैसे आप सभी लोग बिल्कुल बुखला जाओगे कि भाई ये क्या सामने देख लिया, ऐसा नहीं है भाई, इतना ज्यादा डरावना गेम नहीं है बिल्कुल भी। ये गाइस एक शूटर गेम है जो कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव वाला है, यानी कि आप सब लोग जैसे GTA 5 में अपना बंदा देख पाते हो। मैं हमेशा GTA 5 की एग्जांपल क्यों देता हूं मुझे नहीं पता, बट यहां पर जैसे आप GTA 5 में अपना बंदा देख पाते हो ना, वैसे ही आप सभी लोग यहां पर डेज गोन में भी अपना बंदा देख पाओगे। आप सभी लोग यहां पर अपने बंदे को कंट्रोल करोगे, मारोगे बंदों को, स्टेल्थ पे बेस्ड गेम भी है। आप सभी लोग को पीछे से छुपकर बंदों को मारना होता है कि इसको अलर्ट नहीं करना होता। बाकी अगर आप सब लोग चाहो तो लोगों को अलर्ट कर भी सीधा डोन के जैसे यहाँ पर घुस भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गेम में गाइस यहाँ पर आपके प्लेयर के पास एक मोटरसाइकिल होता है जो कि बहुत बढ़िया होता है। अब गाइस यहाँ पर आप सभी लोग बेसिकली जहां पर भी ट्रैवल करोगे ना, आप सब लोग वही वाले मोटरसाइकिल को यूज करने वाले हो बिकॉज आपका वो प्राइमरी व्हीकल है। ये वाले गाइस गेम के ग्राफिक्स में कोई भी डाउट नहीं है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया ग्राफिक्स है। आप सभी लोगों को गाइस यहाँ पर आज के जमाने के हिसाब से ग्राफिक्स मिलेंगे, यानी कि भाई यहाँ पर ग्राफिक्स को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। गेम में आप सभी लोगों को गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशंस मिलेंगे जिनको कंप्लीट करते करते गाइस आप बोर नहीं होने वाले बिकॉज गाइस यहाँ पर सभी चीजों में एक्शन कूट कूट कर भरा हुआ है, तो आप सभी लोगों को बिल्कुल मजा आ जाएगा एंड आप सब लोग बोर नहीं होंगे। अब गाइस यहाँ पर ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, गेम प्ले भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो इस गेम का साइज क्या है? गाइस मैं आपको बता दूं कि ये वाली गेम इंस्टॉल करने के बाद करीब 60 GB की हो जाती है, जो कि गाइस इसके ग्राफिक्स को देखा जाए, गेम प्ले को देखा जाए एंड यहाँ पर इसके मैप एंड सब चीजों को देखा जाए तो ठीक साइज है। सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये जो गेम है ना ये बहुत ज्यादा बढ़िया ग्राफिक्स के साथ आता है, ज्यादा साइज वाला गेम है, तो इसके भाई यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो बहुत ही हाई है। आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा खतरनाक पीसी चाहिए होगा इस गेम को प्ले करने के लिए, तो अगर मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज यहाँ पर मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अब कैसे यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि कैसे यहाँ पर जो मैं रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा वो बिल्कुल मिनिमम है, यानी कि अगर आपके पास कम से कम ये चीज है, ये वाले आपके सिस्टम स्पेक्स हैं या फिर आप सभी लोग के स्पेक्स थोड़े से इससे ऊपर हैं, तो गाइस यहाँ पर आप सभी लोग इस गेम को चला लोगे। अब गाइस यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी लोग 4K में मजे लोगे, ये बात नहीं कर रहा, मिनिमम प्लेएबल हो जाएगा यानी कि चल जाएगा, आपको मजा आ जाएगा प्ले करने में, ठीक ठाक चल जाएगा। यहाँ पर बहुत ही 60 FPS 100 FPS ऐसा कोई सीन नहीं है। वेल तो गाइस बात करें इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो गाइस सबसे पहले प्रोसेसर की बात करें तो गाइस यहाँ पर कोई भी पुराना कोर 2 क्वाड प्रोसेसर आपके पास हो तो ये गेम आपके प्रोसेसर के साथ सपोर्टेड होगा। इस गेम को गाइस यहाँ पर 4 कोर तो कम से कम चाहिए बिकॉज गाइस अगर आप सभी लोग के पास 4 कोर कम से कम होंगे तो ये वाली गेम को आराम से वो झेल लेंगे, चला देंगे, और अगर आपके कोर ही कम हो गए तो भाई यहाँ पर आप सभी लोग को लैग स्टटरिंग वो सारे इश्यूज मिलेंगे जो कि गाइस यहाँ पर बेसिकली एक लो एंड पीसी में मिलते हैं। अब बात करेंगे इस गेम के लिए रैम के बारे में, तो गाइस यहाँ पर 4 GB रैम में चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर बेसिकली सही बात बताऊं अगर आपने प्लेबल एक्सपीरियंस लेना है ना भाई, अगर आप सभी लोगों को 10-15 FPS में खेलना है तो 4 GB रैम ले लो, बट गाइस अगर आप सभी लोगों ने थोड़ा बहुत मजा भी लेना है तो गाइस यहाँ पर 8 GB रैम चाहिए होगा बिकॉज गाइस यहाँ पर गेम का साइज थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर आप सब लोग जितनी ज्यादा रैम इसको खिलाओगे भाई ये आपको उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। अब गाइस यहाँ पर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि 32 GB रैम दे दो आपकी गेम मक्खन चलेगी, ऐसा भी नहीं है, कम से कम 8 GB, ज्यादा से ज्यादा 16 GB रैम हो तो बढ़िया चल जाएगा। आप गाइस यहाँ पर बात कर ले उस चीज के बारे में जिसको सुनने के लिए आप सभी लोग के कान तरस रहे होंगे। जी हाँ गाइस, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा चाहिए होगा इस गेम को चलाने के लिए? वेल तो गाइस बहुत ज्यादा बेंचमार्क्स देखकर, बहुत कुछ देखकर, चेक कर सब कुछ यहाँ पर डाटा कलेक्ट कर यहाँ पर गाइस मैं ये वाले कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ कि गाइस अगर आप सब लोग बेसिकली इसको चलाना ही चाहते हो कम से कम पैसों में तो भाई आपका 710 जो आपका प्यारा ग्राफिक्स कार्ड है ना उसको ओवरक्लॉक कर आप सब लोग इस गेम को प्ले कर पाओगे प्लेएबल। आपको यहाँ पर थोड़े FPS ड्रॉप्स भी मिल सकते हैं या फिर FPS आपको 25-30 मिल जाएंगे, बट यहाँ पर जैसे ही आप सब लोग वो वाली जगह में जाते हो जहाँ पर GPU की यूसेज बहुत हाई होती है तो आप सभी लोग को थोड़े बहुत कम FPS भी मिलेंगे, बट गाइस आप सब लोग ये वाली गेम खेल जाओगे अगर आप सब लोग 710 को ओवरक्लॉक कर लेते हो। तो गाइस ये तो था मिनिमम अगर आपके पास पैसे बहुत ही कम है तो, बट गाइस यहाँ पर जो मैं ग्राफिक्स कार्ड आपको रिकमेंड करूंगा वो होगा मिनिमम 1030 और गाइस यहाँ पर 750 Ti भी चला देगा नो डाउट। अगर गाइस आप सभी लोग के पास यहाँ पर मिनिमम 750 Ti ग्राफिक्स कार्ड है ना जो कि गाइस यहाँ पर आराम से आपको 6-7 हजार का मिल जाएगा
और अगर आपके पास भाई 1030 है जो कि अराउंड गाइस 9-10,000 का आ जाता है, तो गाइस आप सब लोग ये गेम को आराम से बिल्कुल मजे लेकर स्मूथ लेकर पाओगे लो टू मीडियम सेटिंग में। तो गाइस यहां पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी ग्राफिक्स कार्ड को लेकर जो मैंने क्लियर कर दी। कम से कम गाइस यहां पर 750 Ti तो लगा लेना, बट गाइस अगर आप सब लोग यहां पर थोड़ा जा सकते हो ना तो 1030 ले लेना, और अगर आप 1030 लोगे तो और पैसे लेकर भाई 1050 Ti भी आ जाता है, वो भी देख लेना। तो यहां पर अराउंड यही कोई ग्राफिक्स कार्ड लेना जो कि इस गेम को चला देंगे आराम से। और गाइस अगर आप सभी लोगों के पास AMD के यहाँ पर कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, लाइक गाइस यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप सभी लोगों का Ryzen का 3200G प्रोसेसर हो गया, उसके गाइस यहाँ पर जो इनबिल्ट ग्राफिक्स आते हैं उस प्रोसेसर में वो भाई यहाँ पर 710 से ऊपर ही होते हैं, तो आप सभी लोग के वो ग्राफिक्स भी इस गेम को चला देंगे। तो गाइस यहाँ पर ये थे इसकी रिक्वायरमेंट्स जो कि आप सभी लोग को ये गेम खेलने लायक कर देंगे। अब गाइस अगर आपने प्ले किया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड अगर आप सब लोग चाहते हो कि यहाँ पर ऐसी और वीडियोस आ जाएं तो आप सब लोग और गेम्स को सजेस्ट करो जिसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। चलता हूँ गाइस यहाँ पर GTA 5 थोड़ी सी प्ले कर लूँ ऑनलाइन ही ऑफलाइन।